92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी आलू। नाम सुन के निष्कर्ष मत निकालिएगा, यह गंभीर कहानी है। बात दरअसल तब की है जब मेरे, आपके और हम सब के करण अर्जुन को आने में थोड़ा वक्त बाकी था। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली के पोस्टर शहर की दीवारों पे पुते रहते थे और हर फिल्म 3-4 हफ्ते बाद या एक महीने बाद सिनेमा घरों में रिलीज हुआ करती थी। इसी समय भोला मिश्र की उम्र 10 साल के आसपास थी। उनके पिता थे जगदम्बा प्रसाद मिश्र, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और वर्चस्वी व्यक्ति। भोला की माँ नुपुर मिश्रा विधायक थी। सत्ता पिता के नाम पर चल रही थी और घर में भोला को सिंगापुर भेजे जाने की बात चल रही थी। भोला मिश्रा स्वभाव से भोले तो न थे, लेकिन बहकावे में आ जाया करते थे। उनके बैठके में एक से एक बतौलेबाज जगदम्बा से मिलने आते और उनको किस्से सुना के जाते। ये किस्से भोला को कमजोर करते, क्योंकि हंसी के शोर में रोने का असर उनको पता ही नहीं चलता था। भोला को पूरी तैयारी के साथ सिंगापुर पढ़ने के लिए भेज दिया गया, लेकिन महज 5 सालों बाद ही, जब वो 15 साल के थे, तब पिता जगदम्बा प्रसाद मिश्रा अपना फ्रीडम फाइटर वाला मेडल और कोठी उनके लिए छोड़ गए। पिता के जाने के बाद माँ की राजनीति भी जाती रही। 10 साल से विधायक रही माँ परिसीमन के बाद बने नए विधानसभा की गणित समझ नहीं पाई। जमानत जब्त हो गई। चुनाव की हार का असर कम था, लेकिन पति की मौत का लंबा चला। भोला आए और पिता को मुखाग्नि देके वापस चले गए। परदेश रहने वाले बेटों की नियति यही होती है, आना, आग देना और वापस चले जाना। जीवन इतना कृत्रिम कब होता गया। भोला माँ को नहीं समझ पाए और माँ भोला को समझा नहीं पाए। माँ ने भी इस दुनिया से फुर्सत लेना ठीक समझा। भोला 18 साल के थे जब माँ का निधन हुआ। वो वापस आए और उनके पास चुनावी जमीन तराशने का मौका था, लेकिन चचा रामदर्श मिश्र ने गेम कर दिया। उन्होंने भोला को उपचुनाव से ठीक कुछ दिनों पहले कहा कि भोला सपने में जग्गू भैया आए थे, बोले कि भोला को आगे की पढ़ाई भी पूरी करने सिंगापुर भेज दिया जाए। अभी उसके लिए ये नेतागिरी ठीक नहीं है। चुनाव तुम देखना और बाकी का हम और तुम्हारी अम्मा यहाँ से देख रहे हैं। रोज तुम्हारे सपनों में आके बताएंगे कि भोला को आगे क्या करना है। उसके बाद भोला ने वही किया जो रोज चचा के सपनों में आके जगदम्बा प्रसाद उर्फ जग्गू भैया कहते थे। चचा विधायक बन गए और भोला को भेज दिया गया सिंगापुर पढ़ने। चचा मंत्री बन गए और भोला को हर महीने के अंत में खर्चा भेज दिया जाता था। भोला के न कोई याग न पाच, दिन का होना भोला कभी देख ना पाए और रात तो उसकी कभी बीतती ही नहीं थी। पढ़ाई खत्म हो गई और भोला अपने शहर वापस आ गए। पिता जगदम्बा प्रसाद चचा राम दर्श के पोस्टर्स में कोने की तरफ खिसक गए थे और माँ भी ठीक वैसी ही एकदम कोने में थी। मानो भोला से कह रही हूँ कि अपना ख्याल रखना, ये सिंगापुर नहीं है, तुम्हारा अपना शहर है। लेकिन भोला को संभालने वाला उनके अपने ही शहर में कोई नहीं था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी आलू। इस कहानी में अब तक आपने सुना भोला मिश्रा की जिंदगी से उनके माता पिता अचानक चले जाते हैं। भोला अपनी पढ़ाई सिंगापुर से खत्म करके अपने गांव वापस लौटते हैं। अब आगे, भोला के शहर लौटने पर चचा राम दर्श ने उनसे उस ढंग से बात नहीं की जैसा पहले के दिनों में करते थे। उन्होंने भोला से कहा कि
देखो, राजनीति अब तुम्हारे बस की नहीं है। हमारे बाद पप्पू करेगा राजनीति। पप्पू माने चचा का बेटा। तुम विलायत से पढ़ के आए हो तो अंग्रेजी भी बोल लेते होगे, इसलिए हम तुमको रामदयालगंज पड़ाव वाला कोल्ड स्टोरेज दे देते हैं। 1 से 2 करो, 2 से 5। अगर 1 साल तक चला पाए तो हम आगे तुम्हारे बारे में सोचेंगे। भोला को एक पल ध्यान नहीं आया कि ये सब उन्हीं के पिता की बनाई गई संपत्ति है जिसके बारे में फतवा उनके चाचा जारी कर रहे हैं। तुम वो हम काटेंगे वाली कहावत भी भोला को पता नहीं थी। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज से प्रारंभ किया। चाचा भी बहुत चालू थे। पड़ाव वाला कोल्ड स्टोरेज बंद पड़ा था। 3 लाख का तो बिजली का बिल बकाया था। भोला जब कोल्ड स्टोरेज का काम शुरू किए तो सबसे पहले बिजली का नोटिस आ गया। चाचा ने हाथ खड़े कर दिए, तुम्हारा काम तुम जानो। भोला के पास 3 लाख कहां से आते? उन्होंने कोशिश की, लेकिन हाईवे तक पहुंचने के लिए समानांतर पगडंडी पे चलने का क्या फायदा। एक रात वो पिताजी के कमरे में गए और पिताजी के फ्रीडम फाइटर वाले मेडल से लग के खूब रोए। मेडल पूरा गीला हो गया, उस पे लगी धूल पिता के लिखे नाम से जाके चिपक गई। उन्होंने धूल पोंछी, आंसू पोंछे और अपने जीवन को भी पोंछने की तैयारी में जुट गए। लाल फीते से बंधा बक्सा, सालों से न खोला गया बक्सा, पिता के पसीने की खुशबू सा महकता बक्सा। भोला ने बक्सा क्या खोला, किस्मत खुल गई। पिता का एक रजिस्टर हाथ लगा जिसमें कर्जदारों की एक लिस्ट थी। उन्होंने पिता से 10, 5 और 100 के हिसाब से कर्ज 2% ब्याज पे ले रखा था। तारीख भी लिखी थी, 13 मार्च सन 1977, और उसके बाद न जाने कितनी ऐसी तारीखों में दर्ज रकम और उस पे दिनों के हिसाब से बढ़ता ब्याज। भोला को कुछ सूझ नहीं रहा था। अजीब अजीब से नाम थे और पिता कलम को इतना घसीट के लिखते मानो खुद वे चाहते हों कि उनका लिखा कोई और न पढ़ सके। डायरी के पन्ने 4 नवंबर 1993 में आके रुक गए थे, जहां पिता की जिंदगी भी रुक गई थी। माँ की उम्र पे समय ने 2 महीने बाद ही मोहर लगा दी थी। भोला की जमीन पर दुख टुकड़ों टुकड़ों में बिखर रहा था और उनको लग रहा था कि रात की बारिश का पानी है जो जगह जगह रुक गया है। रजिस्टर के अंत तक हिसाब खत्म होते होते भोला को अंकों और ब्याज का यह गणित समझ नहीं आया था, या यूं कहें कि थोड़ा बहुत आया था, लेकिन उनको बिजली का बिल भरना था। इस बिल को भरने से न सिर्फ कोल्ड स्टोरेज में उजाला होता, बल्कि भोला की जिंदगी में भी उम्मीद का बल्ब जल उठता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677-505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी आलू। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सिंगापुर से पढ़ाई कर अपने गांव लौटे भोला मिश्रा माँ पिता के अचानक गुजर जाने से परेशान है। ऊपर से उनके चाचा ने उनको बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज को चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। 3 लाख का बिजली का बिल बकाया है। लेकिन आज भोला को अपने पिता के कमरे में एक कर्जदारों का रजिस्टर मिला है। अब आगे भोला ने रजिस्टर बंद करके रख दिया। बक्से में सामने की तरफ 2 कलमदान बनी थी। इसमें से उन्होंने 1 कलम उठा ली। कलम में स्याही नहीं थी। उन्होंने छिड़का, सोचा भी नहीं कि इतने वक्फे में जिंदगी सूख जाती है, फिर भाई ये तो कलम है। उन्होंने कलम खोल ली और सूखते ही स्याही के सूखे हुए टुकड़े एक कागज के साथ भोला के हाथों पे गिरे। भोला ने कागज खोला और कागज पे लिखा था सजीवन साहू, मछली शहर वाले। मछली शहर भोला के घर से 9 किलोमीटर दूर था। पिता की सूख चुकी कलम में सजीवन साहू का नाम था। भोला आश्चर्य से अधिक रहस्य से घिर गए थे, ठीक आपकी तरह। पिता के बक्से को ठीक वैसे ही बंद करने के बाद भोला पहुंचे मछली शहर। उनकी मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा था कलंदर, जिसको उन्होंने कोल्ड स्टोरेज की रख रखाव के लिए रखा था। कलंदर ने दूर से ही सजीवन साहू का घर भोला को दिखा दिया। भोला ने गाड़ी खड़ी की और कलंदर को बाहर ही रुकने का कहके अंदर चले गए। अंदर आंगन था,
आंगन के कोने में बाईं तरफ जमीन पे बिछी साड़ी पे खटाई सूख रही थी। खटाई के चारों तरफ छोटे मसालदान थे जिनकी कॉकटेल खुशबू भोला ने भी महसूस की। दाईं तरफ खड़े नल के मुंह के नीचे की फर्श फट गई थी और पानी रुक गया था। नल का वॉशर ढीला था, इस वजह से कुछ सेकंड के अंतराल में नल से पानी टप से फटी फर्श पे इकट्ठा हुए पानी में गिरता जा रहा था। भोला को आंगन में कोई नहीं दिखा। वैसे भी गर्मियों में आंगन में कहाँ कौन दिखता है। भोला ने सोचा आवाज लगाऊं, लेकिन किसको। भोला आंगन को पार करके बारामदे में पहुंचा था। घर कच्चा था लेकिन मिट्टी की खुशबू ताजी थी। भोला ने बारामदे में किसी को नहीं पाया। कोने में चूल्हा था जिसको देख के लगता था कि रसोई यहीं है। कुछ जूठे बर्तन थे और देगची पे मिट्टी की एक लेप लगा के रखी गई थी जिसको देख के पता चल सकता था कि शाम को इसी बर्तन में खाना बनेगा। अब भोला से रहा नहीं गया। उन्होंने आवाज लगा दी लेकिन सजीवन के आगे चाचा जोड़ दिया। मैंने चिल्लाए, सजीवन चाचा। पूरे घर में एक आवाज गूंजी, ऊपर है। ऊपर कहां? भोला ने चारों तरफ देख के कहा। आप कौन है? भोला ने कहा। कोई आवाज नहीं आई। भोला को थोड़ा अजीब लगा कि ये सामने आके क्यों नहीं बात कर रही हैं। लेकिन उन्होंने संभालते हुए कहा कि ऊपर तक कैसे जाएंगे। चारों तरफ गूंजती हुई आवाज फिर वैसे आई, अंदर से ही पीछे की तरफ जाने का रास्ता है। पीछे निकल के जाने पे घर के बाहर से ही सीढ़ी बनी है। भोला ने अपने चारों तरफ देखा मानो आवाज को खोज रहे हों, लेकिन आवाजें कहां पकड़ में आती हैं। उनका तो काम होता है गूंजना, तब तक जब तक हमको आपको उनके अस्तित्व पे यकीन न हो जाए। भोला आवाज के बारे में ही सोचते हुए सजीवन तक पहुंचे। छत पे नीचे से एक आम का पेड़ ऊपर की तरफ आके फैल गया था। उसी के नीचे खटिया पे बैठे सजीवन अपना गमछा घुमा रहे थे। गर्मी थी लेकिन पसीने कहाँ किसी की सुनते हैं। भोला को देख के सजीवन ने खुद को बैठे बैठे ऐसे रोक दिया जैसे उनके शरीर में किसी ने हैंड ब्रेक लगा दिया हो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677-505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी आलू। इस कहानी में अब तक आपने सुना, बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज को चलाने की जिम्मेदारी भोला मिश्रा के कंधे पे उन्हीं के चचा ने डाल दी थी। सालों से बंद पड़े इस कोल्ड स्टोरेज को चलाने में उनकी मदद करता है पिता का बक्सा, जिससे उनको मुनीम सजीवन का नाम पता चलता है। अब आगे। सजीवन अपने खटिया पर बैठे बैठे एक और खिसक गए मानो भोला को जगह देना चाह रहे हों। भोला ने उनको असमंजस की स्थिति में देख के कहा कि आप बैठे रहिए, मैं जगदम्बा प्रसाद मिश्रा का बेटा भोला हूँ, हाल ही में विलायत से पढ़ के आया हूँ। सजीवन की आंखों में चमक आ गई थी। उन्हें देख के कोई भी कह सकता था कि उनके पास भोला को बताने के लिए काफ़ी बातें थीं। सजीवन खटिया छोड़ के खड़े हो गए थे लेकिन भोला ने उनको ज़बरदस्ती अपने बगल में बिठाया। भोला कुछ पूछे इससे पहले सजीवन ने बोलना शुरू कर दिया, पंडित जी की बही मैंने उनके जीते तक संभाली। आपकी माता जी के विधायक बनने से सालों पहले से वो सूद ब्याज का काम करते रहे थे। जरूरतमंद को बिना ब्याज के पैसे दे देते थे लेकिन जो सक्षम थे उनसे पूरा वसूलते थे। हर लेन देन का हिसाब किताब हम ही करते थे। सब कुछ सही चल रहा था। तीसरी बार आपकी माँ विधायक बनने की तैयारियां कर रही थी। पिताजी बहुत खुश थे और कहते थे कि लोकसभा तक भेजेंगे अपनी पत्नी को, लेकिन हमको नहीं पता था कि एक दिन उनके साथ ऐसा हो जाएगा और सब बदल जाएगा। भोला को अपनी हालत पता थी लेकिन वो पिता के रजिस्टर में लिखे हिसाब किताब के बारे में जानना चाहता था। क्या पता कुछ पैसे इकट्ठा हो जाएं और उसका काम चल निकले। सजीवन पिता के किस्से लगातार भोला को सुनाए जा रहे थे लेकिन पिछली रात की सिसकियां अब तक भोला के दिन में बची हुई थी। सो उसने सजीवन को बीच में रोक के कहा, आपने पिता का हिसाब किताब रखना कब बंद किया? सजीवन को सोचने में वक्त नहीं लगा और उन्होंने कहा कि जब पंडित जी चले गए तभी रामदर्श ने मुझको आने से मना कर दिया। भोला ने अपने साथ लाया हुआ पिता का रजिस्टर सजीवन को दिखाया और पूछा, इन रुपयों का हिसाब किताब?
सजीवन ने देखते ही कहा कि इनका हिसाब किताब नहीं हुआ है। सजीवन ने भोला को बही पे लगा वो निशान देख के बताया कि इसका मतलब है कि जगदम्बा बाबू के ये पैसे अभी तक ब्याज पे चल रहे हैं। अब भोला को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। सजीवन हिसाब करने लगे थे और नीचे गूंज रही महिला की आवाज सीढ़ियों के बीच आके फिर गूंजी, चाय पियेंगे? सजीवन के मुंह में अंक भरे हुए थे और सर हां में हिल गया था, मानो वो महिला को देख रहे हैं। भोला समझ गए और कहा, हाँ पियेंगे। भोला को उम्मीद थी कि आवाज फिर गूंजेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भोला ने पेड़ देखा, पेड़ पे लदे आम देखे, आम के ऊपर आसमान भी उनको हल्का सा दिखा। आसमान साफ था और नीचे सजीवन भी हिसाब किताब साफ कर चुके थे, 3 लाख मूल राशि और ब्याज जोड़ के। भोला की गणित बता रही थी कि 3 लाख की ही तो कमी है, लेकिन ये पैसे मिलेंगे कहां से? सजीवन अभी भी कुछ जोड़े जा रहे थे, बोले, नहीं नहीं नहीं, 3 तो मूल धन हो गया, नई रेट के हिसाब से हमें कुल रुपया 5 लाख के करीब मिलेगा, लेकिन ये नई रेट वाला वसूलना टेढ़ी खीर है, बाकी का तो वसूलने के बारे में सोचा जा सकता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी आलू। इस कहानी में अब तक आपने सुना, कोल्ड स्टोरेज का बकाया बिल भरने की तलाश में भोला मिश्रा पहुंचते हैं मुनीम सजीवन के पास। वो उनके पिता की डायरी में लिखे बकाया रुपयों के बारे में उनको बताता है। अब आगे भोला ने सजीवन की तरफ उम्मीद से देखा और पूछा कि ये सब लोग कहां मिलेंगे। सजीवन अब भोला के साथ थोड़ा आसानी से बात करने लगे थे। उन्होंने कहा, जगदम्बा बाबू की एक खासियत थी कि ब्याज पे मोटी रकम उसी आदमी के ऊपर लगाते थे जो उनके इलाके से दूर कहीं का परिचित हो। कोशिश करने में क्या अर्ज है? भोला ने सजीवन की तरफ फिर से एक उम्मीद फेंकी और कुछ कहते कि इससे पहले सजीवन समझ गए, बोले कि मैं चलूंगा आपके साथ। भोला को लगा कि सजीवन नहीं, पिता उनके साथ चलने को तैयार हो गए। वो सजीवन को मुग्ध होके देखे जा रहे थे कि सीढ़ियों के मुहाने से निकला एक हाथ जमीन पे चाय की ट्रे रख के चला गया। खट की आवाज आई और सजीवन लेने आगे बढ़ गए। भोला के कानों में फिर से उस महिला की आवाज गूंजी, लेकिन सजीवन को इस बार नहीं सुनाई दी। कुछ आवाजें पहली ही सुनवाई में निजी हो जाती हैं। भोला अपने आप को रोक नहीं पाए और चाय की चुस्की लेते हुए पूछ ही बैठे कि ये महिला कौन है। सजीवन चाय की एक लंबी चुस्की लेके रजिस्टर को लाल धागे से बांध रहे थे। ये हमारी बहू हैं, सजीवन बोले। इनका पति फौज में है, 6 महीने में आता है, पेट से है, इस वजह से सामने आने में शर्मा रही है। भोला की भावनाओं का पारा एकदम से शून्य पे आ गया, लेकिन सजीवन की बहू को देखने का रहस्य अब तक बरकरार था। कब चलना है? भोला के ख्यालों में चहलकदमी करते हुए सजीवन आ गए। भोला रुके, थमे, आज ही चलते हैं। भोला की मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा कलंदर अब पैदल आ रहा था। भोला और सजीवन घर से निकल पड़े थे। बाइक पे बैठे बैठे भोला को पिता की कई कहानियां सजीवन ने बता दी। उनमें से एक कहानी ये थी कि अगर मुनीम बिना किसी बही को पूरा किए काम से निकल जाता है या निकाल दिया जाता है, तो पेपर पे अपना नाम लिख के कलम की स्याही में डुबो देता है, जिसकी बही उसी की कलम। अगर ये परंपरा नहीं होती तो भोला को सजीवन नहीं मिलते, और सजीवन को 5,03,000 रुपए नहीं मिलते, जिसकी वसूली उन्होंने और भोला ने लगभग 1 महीने तक भागदौड़ करके कर ली थी। आखिरकार भोला का कोल्ड स्टोरेज चल गया। रामदर्श को भी खबर मिली कि भोला ने सालों से बंद पड़ा कोल्ड स्टोरेज चलवा दिया है। पैसों के बारे में जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन किसी को पुख्ता तौर पर नहीं पता चला कि भोला के पास 3 लाख रुपए आए कहां से। भोला ने कोल्ड स्टोरेज का नाम पिता के नाम पे जगदम्बा रखा और आलू इकट्ठा करने का नया तरीका इख्तियार किया। वो आसपास के सभी बड़े गांवों में गए जिनकी आबादी 10,000 के पार थी।
किसानों के बीच भोला मिश्रा ने उन किसानों को आलू के बीज मुफ्त में देने की बात कही जो इस साल फसल उनके कोल्ड स्टोरेज में रखने को तैयार होंगे। गांव में आग लगा देने वाली बात थी। राम दरश के पास तक गई तो उन्होंने कहा कि एक साल का समय है, जो करना है कर लो। देखते ही देखते जगदम्बा कोल्ड स्टोरेज पे सैकड़ों ट्रैक्टर आलू इकट्ठा हो गए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677-505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी आलू। इस कहानी में अब तक आपने सुना, भोला मिश्रा को कोल्ड स्टोरेज चलाने के लिए 3 लाख रुपयों की जरूरत उनके पिता के बकाए पैसों से पूरी हो गई और धीरे धीरे उन्होंने पिता के नाम पे आलू के स्टोरेज में खासी पहचान बना ली। अब आगे काम बढ़ा तो कलंदर का भी काम बढ़ा, वो संभाले तो कैसे। लेकिन भोला को इस बात की परवाह कहाँ थी। उनके लिए तो वो कहावत काम कर रही थी कि एक की रसूख दो का काम करती है। भोला ने कुछ ही दूरी पे बंद पड़े एक और कोल्ड स्टोरेज को किराए पे ले लिया। शर्त यह थी कि पहले साल के प्रॉफिट के बाद किराया बढ़ा देगा। इस दूसरे के बारे में रामदर्श को पता नहीं चला। जैसे तैसे जनरेटर और बिजली के सहारे खींच खांच के साल भर का समय पूरा हो गया। आखिरकार वो घड़ी भी आ गई थी जब रामदर्श कोल्ड स्टोरेज की चाबी अपने हाथ में लेने को खड़े हो गए। भोला ने कोल्ड स्टोरेज की चाबी अपने चचा के हाथ में दे दी। जगदम्बा कोल्ड स्टोरेज बंद हो गया। शहर होता तो शायद ये बात आई गई होती और कोल्ड स्टोरेज फिर से रामदर्श चलाने लगते। लेकिन गांव की आंखों में पानी अभी भी भरपूर है। जगदम्बा कोल्ड स्टोरेज के बंद होने की आग बिना किसी लौ के फैल गई। इसको बुझाने वाला अब कोई नहीं बचा था। खुद भोला भी इसको नहीं बचा सकते थे। नई फसल के जो बीज भोला ने बोए थे उनको काटने का वक्त आ गया था। किराए पे लिए भोला के नए कोल्ड स्टोरेज के सामने फिर से ट्रैक्टरों की एक लंबी कतार थी। भोला को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सजीवन को हिसाब करने में तकलीफ हो रही थी। 5,000 बोरे की क्षमता वाले इस नए कोल्ड स्टोरेज में 12,000 बोरे कहां से आते। एक की रसूख दो का नहीं अब 3 का काम कर रही थी। भोला ने 2 नए कोल्ड स्टोरेज किराए पे लिए लेकिन इस बार कोई शर्त नहीं थी। लेकिन भोला समझ रहे थे कि जहां शर्त नहीं होती वहां उम्मीद होती है और उम्मीद का टूटना जीवन के टूटने से ज्यादा खतरनाक है। भोला ने लोगों की उम्मीद बचाई, पिता की उम्मीद बचाई और सजीवन के स्याही में सूखे नाम को जीवित कर दिया। अगले कुछ सालों में भोला के पास 25 बंद पड़े कोल्ड स्टोरेज की जिम्मेदारी आ गई थी। पूरे जिले का सबसे अधिक आलू भोला के कोल्ड स्टोरेज में रखा जाने लगा। जगदम्बा कोल्ड स्टोरेज की परछाई रामदर्श के घर के ऊपर से ऐसे गुजरी जैसे धूप छांव का खेल हो रहा हो। चुनाव हुए और भोला मिश्रा क्षेत्र के सबसे युवा विधायक बन गए। रामदर्श को अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। उनके बेटे पप्पू ने मारकाट की कोशिश की थी लेकिन किस्मत का कवच लेके पैदा हुए व्यक्ति के साथ युद्ध नहीं लड़े जाते। पप्पू जेल चले गए। हुआ यूं कि उत्तेजना में बह के उसने चुनाव परिणामों के बाद हवाई फायरिंग कर दी। लेकिन हर हवाई फायरिंग का अंजाम अच्छा नहीं होता। पेड़ पे बैठा राष्ट्रीय पक्षी मोर इस गोलीकांड में घायल हो गया और उनको जेल जाना पड़ा। भोला मिश्रा अब अपने नाम के आगे जगदम्बा मिश्रा लिखने लगे थे। उनका पूरा नाम हो गया था भोला जगदम्बा मिश्रा। राज्य के कृषि मंत्री भोला जगदम्बा मिश्रा ने आलू के उत्पादन में क्रांतिकारी काम किए। आपने सुना होगा कि कैसे रुपया, पैसा, किस्मत और धोखाधड़ी से लोग अपनी किस्मत बदलते हैं। लेकिन कभी सुना है कि आलू से बदली है किस्मत। जल्द ही भोला जगदम्बा मिश्रा सिंगापुर जाने वाले हैं जहां आलू पे आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करेंगे। सिंगापुर उनके लिए नया नहीं है लेकिन उनके लिए नई बात है सजीवन और कलंदर का उनके साथ जाना। दोनों उनके सहायक हैं और दोनों के पास 2 खास चीजें। सजीवन के पास वही पुरानी कलम और कलंदर के पास भोला के पिता का बक्सा। उसकी रंग रोगन हो गई है और मंत्री भोला का पूरा साजो सामान इसी बक्से में लेके कलंदर चलता है। जाहिर सी बात है कि रामदर्श के बारे में अब आप कुछ और जानना नहीं चाहेंगे।
बाकी सब ठीक है। और हाँ, एक बात और, भोला जगदम्बा मिश्रा ने अभी तक शादी नहीं की। सजीवन की बहू की वो रहस्यमय आवाज उनकी स्मृति में सहेज ली गई है, लेकिन इस आवाज का रहस्य वही जाने। फिर प्रेम की कोई सींग तो होती नहीं कि जो कहता हुआ आए, मैं प्रेम हूं, मुझे देखो, रास्ता दो। प्रेम वो पतंग भी तो हो सकता है जिसकी कन्नियों को बिना कसे खुले आसमान में छोड़ दिया जाए। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3।